देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, संगम सगरी यानी प्रयागराज में राहुल गांधी का कल रविवार को आगमन हुआ था। राहुल के आगमन के दौरान उनसे मुलाकात न कर पाने से नाराज 4 कांग्रेसियों ने उसी रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके अलावा भी कुछ लोग इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद से कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। इतना ही नहीं, यह मामला पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है। नौबत तो यह आ गई है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष ने शहर की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया। महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अनूप सिंह को कोषाध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद असलम, परवेज सिद्दीकी, अनीता कुशवाहा, इशरत अली, प्रदीप नारायण द्विवेदी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इसके अलावा राजकुमार शुक्ला, नयन कुशवाहा, राकेश श्रीवास्तव, राघवेंद्र सिंह, मोहम्मद इरफान, अखिलेश वाशने, अनूप त्रिपाठी, शादाब अहमद, अंजुम नाज, हर्षिता अरोड़ा, प्रवीण सिंह, सफुकुद्दीन, शशांक शुक्ल, अजेंद्र गोड़ पाठक को महासचिव बनाया गया। इसके साथ आपको बता दें, कुछ दिन पहले वरुण गांधी के साथ सोनिया गांधी का पोस्टर वायरल करने और दो समोसे के लिए मारपीट करने वाले कांग्रेस के शहर सचिव इरशादुल्ला को फिर से उसी पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा PCCA सदस्य किशोर वाशने के पुत्र अभिन्न वाशने समेत दीप चंद्र शर्मा, विशाल सोनकर, मोहम्मद हसीन, शकील अहमद, अजय श्रीवास्तव, कामेश्वर सोनकर, अशोक शुक्ला, रितेश, ऋषभ पांडे और नीरज पाल को सचिव पद पर बिठाया गया है। अब देखना ये होगा क्या और कितने कांग्रेसी इस बात से नाराज होकर इस्तीफा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी से नाराज कांग्रेसियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनकी जो संख्या है अभी सिर्फ 4 ही है, लेकिन बताया जा रहा है और कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि ये संख्या बढ़कर ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।